शेयर का लक्ष्य 60 रुपए में है, 50 रुपए में उसका ब्रेकआउट हो रहा है, तो वो निश्चित तौर पर 50 को तोड़ कर ही 60 पर जाएगा। अगर उसको अच्छी मुकाम छूने हैं तो वो 50 क्रॉस करके ही तो जाएगा। काफी लोग एक चीज समझते हैं, सबको पता है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट एक ऐसी चीज है कि जिस लेवल से ब्रेकआउट होना होता है वहां सबको पता लग रहा है कि भाई यहाँ ब्रेकआउट होना है, और अगर ये ब्रेकआउट हुआ तो ये शेयर ऊपर की तरफ भी जा सकता है। लेकिन जो ये प्रणाली समझता है कि अगर ब्रेकआउट हुआ जरूरी नहीं कि शेयर ऊपर जाएगा, वहां से भी नीचे आ सकता है, उन्हें पता होता है। लेकिन एक चीज है कि एक शेयर का लक्ष्य 60 रुपए में है, 50 रुपए में उसका ब्रेकआउट हो रहा है, तो वो निश्चित तौर पर 50 को तोड़ कर ही 60 पर जाएगा। अगर उसको अच्छी मुकाम छूने हैं तो वो 50 क्रॉस करके ही तो जाएगा। ब्रेकआउट में लोग कहते हैं सर खरीदें क्या ना करें। देखो सर, हमें अगर शेयर पता है अच्छा है तो ब्रेकआउट में जब भी शेयर ब्रेकआउट करता है उसे वहाँ पर तुरंत खरीद लेना चाहिए, और उसका स्टॉप लॉस वहाँ से 1 से 2 रुपये नीचे भी लगा देना चाहिए। कभी कभी जब सबको कुछ चीज़ें पता लग जाती हैं तो उसके अंदर ही धुंधले विचार हो जाते हैं जो ऑपरेटर के द्वारा आते हैं। यहाँ समय समय पर ऑपरेटर अपनी चालों को चलते रहेंगे और उन्हीं चालों को समझकर हमें पैसा कमाना है। तो काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि सर ब्रेकआउट पर करें क्या, खरीदें या फिर ठहर जाएं, या फिर 10-15 रुपये ऊपर जाए फिर खरीदें, या इसकी संभावना नीचे आए। देखो सर, ब्रेकआउट का मतलब यही है कि वो दूसरे लक्ष्य को छूने के लिए बढ़ रहा है। अब वो दूसरे लक्ष्य को छूने के लिए बढ़ रहा है, उसको कौन कौन सी वो ताकतें हैं जो नीचे की तरफ ला रही हैं, वो तो वही लाएगा ना, ऑपरेटर हो गया, बड़े बड़े निवेशक हो गए, उन्हीं के हाथ में ये जब कंट्रोल में चीज़ें आ जाती हैं तभी वो एक ऐसी दृष्टि के तौर पर हमें नज़र आती है कि ब्रेकआउट होने के बाद भी शेयर नीचे की तरफ आता है। और वो होता ही है, हर चीज़ में होता है। तो अगर वो अपने लक्ष्य यानी 50 का ब्रेकआउट है किसी भी शेयर का, तो उसे 60 पर जाना है तो वो 50 से क्रॉस करके ही जाएगा, तो वहाँ पर बाइंग बनती है सर, पर स्टॉप लॉस के साथ। तो ये वही चीज़ है कि अगर हमें किसी लक्ष्य को पाना है तो समय समय पर ऐसे पड़ाव भी आएंगे जहां हमें सोचने पे मजबूर भी हो जाएंगे कि अब हम आगे की तरफ जाएं, या ये आगे रास्ता हमें थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है। ये सारी चीज़ें शेयर मार्केट में भी होती हैं, लाइफ में भी होती हैं। और जब कुछ चीज़ें ब्रेकआउट से ऊपर जाती हैं फिर वो दूसरे ब्रेकआउट को करने के लिए तैयार हो जाती हैं, ये निरंतर होगा। और ब्रेकआउट होने के बाद भी कई शेयर जो हैं फिर नीचे की तरफ भी आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर सब जगह प्रॉफिट बुकिंग वाली चीज़ें आ जाती हैं। तो निश्चित तौर पर अपना फ़ायदा हमेशा देखिए, स्टॉप लॉस लगाइए, अगर ब्रेकआउट कोई शेयर कर रहा है खरीदने की चेष्टा बनाइए। अगर वो शेयर अच्छा है तभी पैसे इस मार्केट से कमाए जाएंगे। सोच कर कुछ भी इस मार्केट से नहीं होगा कि हम सिर्फ सोचते रहें उसे इम्प्लीमेंट ना करें। या तो हमें लेना है या फिर हमें नहीं लेना है, ये विचार आपको तुर्दबा खुद करने पड़ेंगे। बल्कि शेयर तो अपनी चाल चलेगा, उसकी चाल आपको समझनी है, वो आएगी सर आपको सिर्फ धैर्य से, लालच को छोड़कर। तो ब्रेकआउट अगर कोई शेयर करता है, मेरे हिसाब से वो चीज़ें बनता है कि वो दूसरे हाई को छूने के लिए वो चीज़ें कर रहा है, तो उसके साथ होना एक अच्छी चीज़ है, पर वहाँ स्टॉप लॉस लगा के भी हमें चलना पड़ेगा।